रिच क्रीमी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी चिकन बटर मसाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं विदिशा, वेलकम टू किचन स्माइल्स। आज किचन स्माइल्स में हम बनाएंगे बिना क्रीम यूज़ किए हुए चिकन बटर मसाला, एकदम क्रीमी रिच। दोस्तों, अगर आप किचन स्माइल्स अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चिकन बटर मसाला कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में 200 ग्राम चिकन पीसेस लेंगे। आप सिर्फ बोनलेस भी ले सकते हो। इसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें 1/2 टेबलस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला के इसे रख देंगे 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। अब दोस्तों, हम इसका मसाला बनाते हैं। तो गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे, फिर एक बड़े प्याज को रफली चॉप करके उससे डालेंगे और 3 से 4 मिनट हम सॉटे करेंगे। फिर इसमें 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसमें एक बड़ी टमेटो को चॉप करके उससे डालेंगे और 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और इसमें हम 1 टीस्पून बटर डालेंगे, फिर 1 से 2 मिनट और हम इसे सॉटे करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें कुछ कैश्यू नट्स काजू डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, टेस्ट और अच्छा आएगा। और फिर इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढक के 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमेटोज़ हैं वो सॉफ्ट और मशी बन जाए। अब गैस फ्लेम को ऑफ करके ये मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला ठंडा होने के बाद इससे हम ग्राइंडर में ब्लेंड करके एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब दोस्तों, गैस को ऑन करें, गैस फ्लेम को मीडियम पे रखें। एक पैन रखें, उसमें 1 टेबलस्पून बटर और 1/2 टेबलस्पून तेल डालें। इसके बाद इसमें जो मैरिनेटेड चिकन पीसेस हैं वो हम फ्राई करेंगे दोनों साइड्स अच्छा कलर और टेंडर होने तक। चिकन पीसेस को हम फ्राई करेंगे। अब चिकन पीसेस फ्राई हो गए हैं, इसे एक प्लेट में निकाल दें। अब गैस फ्लेम को ऑन करें और एक कढ़ाई रखें, उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने पर इसमें जो स्ट्रेंड मसाला है, प्यूरी है, वो डालेंगे और फिर 2 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे। उसके बाद इसमें जो फ्राइड चिकन पीसेस हैं उन्हें डालेंगे और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी है चिकन बटर मसाला बनाने के लिए। इसे अच्छे से हम मिलाएंगे, फिर इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, एकदम रिच क्रीमी चिकन बटर मसाला तैयार है। है ना आसान रेसिपी, बहुत टेस्टी है, कोई क्रीम यूज़ नहीं हुई है, पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और ऐसे कोई इजी रेसिपीज़ के लिए किचन स्माइल्स सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।